हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था यूपी में जो हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है कौन कि कैसे यूपी में एलियन रूल के प्रति कॉन्शियसनेस जाग गया। 1857 के कौन से फ्रीडम फाइटर थे INC इरा में, मतलब 1880 से लेके 1947 के बीच में कौन कौन सा यूपी का कंट्रीब्यूशन इन जनरल रहा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इमिनेंट पर्सनालिटी थे उनके बारे में डिस्कस किया मैंने, कौन कौन सा लिटरेचर था, कौन कौन सा प्रोस्क्राइब्ड लिटरेचर था। इस में हम डिस्कस करेंगे रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फ्रीडम, स्पेशली यूपी से फोकस हो रहेगा। ठीक है, उन्होंने अपने विचार को किस तरह से आगे प्रपोगेट किया, उनका लिटरेचर क्या था, कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी रही यूपी में, जैसे मणिपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, अलीगढ़ के बारे में बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पर्सनालिटीज़ हैं अगर रिवोल्यूशनरी की बात करें यूपी से, तो वो होती हैं चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो लेकिन फिर भी इस बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करूंगा और जो भी थोड़ा बहुत विचार रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश से। तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो यूपी में हुआ वो पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ, या वर्ल्ड वार के टाइम से स्टार्ट कर लो, 1915 के आसपास स्टार्ट हो गया था। स्पेशली ये स्टार्ट हुआ बंगाल से, इन लोगों ने बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, ठीक है, उसका वो आया नॉर्थ इंडिया में। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो कैपिटल थी इंडिया की वो कोलकाता से क्या चेंज हुई थी, कोलकाता से दिल्ली में चेंज हुई थी। तो एक तरह से जो अब जो जो जितनी भी ब्रिटिश एक्टिविटीज थी या जितने भी ब्रिटिश हाई पीपल थे वो सारे कहाँ आते थे, वो इलाहाबाद आते थे, बनारस आते थे, दिल्ली आते थे। तो अब क्या था, उनका जो टारगेट रहता था रिवोल्यूशनरी का, वो इन्हीं लोगों को हार्म पहुंचाना रहता था या इन तक ही आवाज़ पहुंचाना रहता था। दिल्ली में नेशनल असेंबली भी बैठने लगी थी, तो जो शिफ्ट था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का वो कोलकाता तो रहा ही, लेकिन दूसरा सेंटर भी बन गया वो दिल्ली और यूपी का एरिया बन गया। और ये 1914 में जो ब्रिटिश का वो फोकस था वो भी इंडिया से हटकर बाहर चला गया। जो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उनको अपना काम अंडरग्राउंड करने में आसानी भी मिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूपी में जो मेनली था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी उसके द्वारा ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। ठीक है, और आपको पता है कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड का हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ये चोरी चोरा कांड हुआ था जब इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। इससे काफी लोग डिससेटिस्फाई हुए थे। इवन मनमथलाल गुप्ता जो इनके रामप्रसाद बिस्मिल के साथी थे, सॉरी चंद्रशेखर आजाद के साथी थे, मतलब सबके ही साथी थे, उन्होंने अपनी बहुत सारे आर्टिकल में लिखा था कि जो इंडिया था वो 1922 में ही आज़ाद हो चुका होता अगर गांधी जी NCM को वापस नहीं लेते। एनीवे, तो जो लोग डिससेटिस्फाई हुए, जनरली जो यूथ थे, उन लोगों ने जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो HRA बनी थी, HRA का जो मैनिफेस्टो था वो था द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, इसने क्या प्रपोज किया था, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ये कहा था साउथ यूनिवर्सल सफरेज, इन्होंने यूनिवर्सल सफरेज की मांग की थी। गांधी जी को अपोज किया था, स्पेशली उनकी नॉन वायलेंट पॉलिसीज को और उनका जो अपना जो बिना किसी को कंसल्ट किए एकदम से वापस लेना था NCM को, इसको अपोज किया था। ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय द मैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके अगेंस्ट में थे। HRA के जो भी पैम्फलेट बचा था, इसे वाइट लीफलेट बोलते हैं, सोशलिस्ट व्यू था इनका, काकोरी ट्रेन रॉबरी में HRA वालों का ही पूरा का पूरा हाथ था, जो 8 अगस्त 1925 को हुई थी, 8 या 9 अगस्त, इन दोनों डेट में आप मान सकते हो काकोरी ट्रेन की रॉबरी हुई थी। काकोरी ट्रेन की रॉबरी के बाद क्या हुआ था कि जितने भी काकोरी ट्रेन रॉबरी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे वो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां हो, राजेंद्र राणी हो, ठीक है, ये सारे लोग पकड़ लिए गए या फिर ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। जो लोग बचे उनमें से चंद्रशेखर आजाद,
तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह वगैरह इन लोगों ने मिलकर क्या किया, जो भी स्प्लिंटर ग्रुप और अलग अलग जगह पे चल रहे थे, चाहे वो पंजाब हो या फिर कहीं पर भी हो, वहाँ के जो यूथ थे उनको इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। अब आप लोगों को एक चीज़ याद देनी होगी कि 1919 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जितने भी सोल्जर थे जो फर्स्ट वर्ल्ड में इंडिया की तरफ से गए थे, वो सारे घर पे वापस आ गए थे। तो उन्होंने आके देखा कि भाई विदेश में देखो किसान कितने अच्छे से रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ कितने कितनी सारी दिक्कत है। जो रियल फेस था उसको एक कंपैरिजन होता है, जब आप बहुत नीचे रहते हो तो आपको उस समय अपने नीचे होने का एहसास नहीं होता, वो तब होता है जब आप किसी ऊंचे को देखते हो। तो जब जितने भी ये सोल्जर से जब ये बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि बाहर तो यहाँ जो फार्मर्स हैं उनके भी उनको भी उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोगों को इतनी दिक्कत है। तो वो भी धीरे धीरे डिससेटिस्फाई हो गए थे, जो जितने भी लैंड एक्ट थे या पॉलिसीज थी, तो वो लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे थे, और उन्होंने भी अलग अलग जगह स्प्लिंटर ग्रुप बनाए थे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इन सारे स्प्लिंटर ग्रुप को एक करके और उन सबको एचआरए में मर्ज कर दिया था, किसने, आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने, मेनली 8 से 9 सितंबर 1928 को कहाँ पर फिरोजशाह कोटाला में लोग मिले थे। इनका जो मैनिफेस्टो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, वो था फिलोसफी ऑफ द बम, ठीक है। ये किसने लिखा था, भगवती चरण बोरा ने लिखा था, ठीक है। और इसमें देखो शिफ्ट आ गई थी सोशलिज्म से, ये लोग किस साइड चले गए थे, मार्क्सिज्म में चले गए थे, ठीक है। ये शिफ्ट हो गई थी एचआरए से एचएसआरए में, ठीक है। इन लोगों का पर्पस क्या था, इन लोगों का पर्पस था द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट का मतलब होता है मेनली जो पीजेंट्स का, जो पीजेंट्स जो होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी में होते हैं, इनकी डिक्टेटरशिप चलेगी, आपका जो ऊपर लेवल वाले लोग हैं उनकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। बट इन लोगों ने डिक्टेटरशिप की बात की, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, राइट, ठीक है। अब मतलब लेफ्ट साइड में पहले ये जो एचआरए था वो थोड़ा सा हल्का सा सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट था, ये बहुत ज्यादा लेफ्ट हो गए थे, ठीक है। एचएसआरए ने मैंने कौन सी एक्टिविटीज की, किलिंग ऑफ सैंडर्स किया, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका, सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंका उसमें इन्होंने ये जो पैम्फलेट था इसको डिस्ट्रीब्यूट किया बॉम्ब फेंकने के बाद, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इसमें इन्होंने पूरा सा पूरा का पूरा ये दिया हुआ डेटा, ठीक है। इसमें जो नीचे साइन है वो साइन है बलराज करके साइन है, ये जो बलराज करके जो साइन होते थे वो चंद्रशेखर आजाद लिखते थे। कौन लिखता था, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले भी काफी आर्टिकल लिखे थे, उसमें अपना जो नाम था वो एलआईएस जिसे कहते हैं वो बलराज नाम से लिखा था, ठीक है। कमांडर इन चीफ इन्होंने अपना पद डाला था, ठीक है। ये हो गया एचआरए और एचएसआरए। अच्छा ये जो इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे आपका हो गया नौजवान भारत, नौजवान नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह ने अपनी एक खोली थी, वो भी बाद में इसमें एचएसआरए में मर्ज हो गई थी, ठीक है। नौजवान भारत सभा भी खुली थी, ये भी नौजवान नौजवान भारत सभा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी थी, लेकिन ये जो थी ये दोनों मेन थी, ठीक है। इसके बाद आइए कौन, ये जो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे यूपी के, उन वो लोग उन लोगों के ज्यादातर जो लिटरेचर होते थे वो क्या होते थे, बैन बैन होते थे, ठीक है। जिसे कहते हैं प्रोस्क्राइब्ड, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। लेकिन फिर भी ये किसी तरह साइड से या बाईपास करके किसी तरह अपनी बात को जनता तक पहुंचाते थे। और जनता तक पहुंचाने का तरीका क्या था, जैसे जब बिस्मिल जी, लाल प्रसाद बिस्मिल जो थे, उन्हें जब अपनी एचआरए ओपन की, तो उसका उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, येलो पेपर, येलो पैम्फलेट, वो उन्होंने सबको हैंड टू हैंड बांटा, क्योंकि इसका प्रिंट तो आप कर नहीं सकते थे, तो ये तरीके। लेकिन उन्होंने कुछ जो मैगजीन थी वो उनके व्यूज को कहते प्रिंट करती थी, जैसे ये क्रांतिकारी हुई, ठीक है। जो क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी मैगजीन थी, किसने छापी थी, चंद्रशेखर आजाद ने छापी थी और भगवती चरण बोरा ने छापी थी, ठीक है। ये क्रांतिकारी मैगजीन थी। स्वराज करके एक मैगजीन थी जो उर्दू लैंग्वेज की कहते रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, कानपुर से पब्लिश होता था, ठीक है। ये भी एचएसआरए से लिंक था, ठीक है। कल आज और कार, ये बीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय गया थे, हिंदी रिवोल्यूशनरी ये इसको छापते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि आर्म्ड स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस को इसमें बताया जाता था। इसके बाद प्रताप, जो आप जानते हो, ये किसका था, गणेश संघ के विद्यार्थी का था। इसमें भी इसमें सच छपता था, क्या, त्रुथ। और त्रुथ में आपका सबका त्रुथ छपेगा, आपका केवल नॉन वायलेंट जो लोग हैं उनका त्रुथ नहीं छपेगा, रिवोल्यूशनरी क्या चाहते हैं उनकी बात भी इसमें छापी जाएगी। ये भी कानपुर से छपता था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे।
इसके अलावा जो बाहर के जो पेपर से जो छपते थे वो थे जैसे जुगांतर हुआ, ठीक है, ये भी, ये तो अनुशीलन समिति वालों का था, ये भी पत्रिका छपती थी। इसके बाद आपका मर्यादा हुआ, एक मैगजीन क्या थी मर्यादा जो इलाहाबाद से छपती थी, ठीक है, वो भी क्या कहते रेवोल्यूशनरी की बातों को छापती थी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या था, मर्यादा जो न्यूज़पेपर था जब इसके एडिटर संपूर्णानंद थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद ठीक है, जो बाद में यूपी के सीएम भी रहे, ठीक है, उस समय जो चंद्रशेखर आजाद को सबसे पहले एनसीएम मूवमेंट के टाइम जब जेल हुई थी, जब उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था, पिता का नाम क्या बताया था, स्वाधीन बताया था, स्वतंत्र बताया था और रहते गांव जेल में बताया था, तो इस पूरी घटना को मर्यादा में प्रिंट किया गया था, उसी से चंद्रशेखर आजाद को फेम मिला था। तो ये जो मर्यादा मैगजीन थी ये भी क्या कहते लोगों की बातों को, इस तरह के इवेंट को प्रिंट करती थी, ठीक है। और ये देखिए ये जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरह के लोगो छपते थे, यूनाइटेड इंडिया की बातें होती थी, ठीक है। रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी कौन कौन सी हुई, अच्छा उस टाइम पे जो थी बहुत सारे जितने भी रिवोल्यूशनरी थे वो लोग क्या करते थे, ये लोग रशियन रिवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हो गया था, ठीक है, उसके बाद क्या था कि इन लोगों को जो फंडिंग थी वो भी कभी रशिया से मिलती थी, रशिया से मिलने लगी थी फंडिंग, और कुछ लीडर्स थे जैसे एम एन रॉय हुए, ठीक है, या फिर आपके एस ए डांगे हुए, ठीक है, इनकी काफ़ी लिंक थी विदेशों में भी। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे जिससे कि लोगों के माइंड में जाए कि हाँ क्या कहते अब जो ब्रिटिश रूल है वो उनकी बातें माने और इंडिया को छोड़ के जाए, आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते थे। तो सबसे पहले एक जो हुआ था अलीगढ़ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, अलीगढ़ कॉन्स्पिरेसी केस में जो मोहम्मद अली थे या शौकत अली जिन्हें अली ब्रदर्स कहते थे, ठीक है, इनको कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था, ये कहते हुए कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट में, ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश किंग के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इनका केस किसने लड़ा था, एम एल नेहरू और सी आर दास इन लोगों ने लड़ा था। इसके बाद आपका कानपुर बोल्सेविक कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ है, 1924 में हुआ। ये जो था ये मेनली जो केस था इसके कारण जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्चुअली ये केस इनमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने अगेन ये जो लीडर मैंने बताया डांगे, एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, ये नलिनी गुप्ता, काजी नजरुल इस्लाम, शौकत उस्मानी, अब ये काजी नजरुल इस्लाम कौन थे, ये थे, ये इन्हें कहा जाता है नेशनल पोइट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो काजी नजरुल इस्लाम इन सब लोगों को कानपुर ये लोग आए और इनको कानपुर में बैठ के ये लोग मिलते जुलते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर लिया, ठीक है, और फिर वही सेम रीजन दिया कि आप जो आप क्या कर रहे हो कि आप अपरूट करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से हट जाए, आर्म स्ट्रगल करने की बातें कर रहे हो। तो 1924 में ये हुआ था, लेकिन ये जो केस था ये काफी साल तक चला, ठीक है। इस केस के चलने से क्या होता कि जितने भी इसमें लोग थे, ये लोग जब भी केस की तारीख लगती थी तो बहुत प्रचार करते थे, इसके कारण क्या हुआ, एक्चुअली में जो सिपाही सीपीआई को दबाने की कोशिश थी, ये लोगों के माइंड में आ गया कि हाँ कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म है वो इंडिया में अच्छे से आ चुका है। फिर इसके बाद हुआ था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है ये 1929 में हुआ था और ट्रायल जो था इसका 1933 में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने अगेन एक्सक्यूज किया था लीडर्स को क्या, इंसाइटिंग वायलेंस एंड चैलेंजिंग द सोवरेंटी ऑफ किंग, ठीक है, और इस ट्रायल का अगेन क्या फायदा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ फायदा कि उनका आइडिया जो है प्रपोगेट हुआ, ठीक है। यही ये जो आप जब केस लड़ते हो तो अपनी जब आप बात करते हो वो सारी चीजें क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, और ये जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है बाद में एज ए रेफरेंस दिखाई जाती है कि हाँ देखो ये बातें हुई थी, अगर आप सही से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस चीज को बाद में एक्सेप्टेंस भी मिलती है। यही सीपीआई के साथ हुआ और सीपीआई एक तरह से स्टेबलाइज्ड हो गया इन द अपकमिंग ईयर। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट केसेस थे जो यूपी में चले थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्यूशनरी फेज। रिवोल्यूशनरी फेज जो जनरली रहा वो 1920 से 1940 के बीच में रहा, ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर इसे एक्टिव माने तो 1915 से लेके 1930 तक, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं,
जो इमिनेंट पर्सनालिटी थे, सबसे इमिनेंट जो चंद्रशेखर आजादी थे, कहाँ से थे? उन्नाव से थे, ठीक है। इनके जो फोर फादर्स थे वो एक्चुअली में कानपुर से थे, तो इनका देखिए शिफ्ट क्या हुआ, कानपुर से इनके पिताजी आ गए उन्नाव में, ठीक है। उन्नाव से फिर ये लोग कहाँ चले गए? अलीराजपुर चले गए, अलीराजपुर। अलीराजपुर बताइए कहाँ पर है? सबसे जो अगर ये एमपी है अगर, तो अलीराजपुर सबसे किनारे साइड में, अलीराजपुर तक पहुँच गए, ठीक है। अलीराजपुर में काम करते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, चूंकि स्थिति अच्छी थी नहीं, तो इनको पढ़ने के लिए बनारस में भेज दिया। बनारस में कहाँ पढ़ने भेजा इनकी माँ ने? इनकी माँ का नाम क्या था? जगरानी देवी। अगर आप लोगों को याद भूल गए हो तो याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है, जगरानी देवी नाम था। बनारस में काशी विद्यापीठ में इनको पढ़ने के लिए भेजा गया था, संस्कृत पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पढ़े नहीं। वहाँ पे इन्होंने, मैंने जैसे बताया था, एनसीएम मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको जेल में रख, जेल, इनको 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। फिर उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पढ़ाई से तो अलग हो गए, लेकिन ये सब काम देशभक्ति के लिए काम में इंक्लूड हो गए। वहाँ पर काशी विद्यापीठ में एक्चुअली में ये मनमोहन गुप्ता से मिले, मनमोहन गुप्ता ने इनको रामप्रसाद बिस्मिल से मिलाया, और रामप्रसाद बिस्मिल से मिलाया, और राम मिलाई जोड़ी हो गई, और रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर इन्होंने रिवोल्यूशनरी जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एचआरए के पहले एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। लेटर रिफ्रेम्ड एचआरए टू एचएसआरए, ये जब रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह जेल में चले गए तो इन्होंने एचआरए को एसएचआरए में कन्वर्ट किया, भगत सिंह के साथ सॉन्डर्स के रिंग में गए थे। सारी प्लानिंग इन्होंने की थी लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए, ठीक है। पैम्फलेट थ्रोन बाई रिवोल्यूशनरी आफ्टर सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, बलराज नाम से इनके ही पैम्फलेट हुआ था, ठीक है। अटेम्प्टेड ब्लोइंग ऑफ वाइस राय टेन, ये इन्होंने और किया था 1929 में, ठीक है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद राजफेड पार्क में, तुम आप लोगों को पता ही है कि 27 फरवरी 1931 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, और 23 मार्च 1931 को कोरोना एक्सपायर हो गया, आपके भगत सिंह वगैरह को फांसी दे दी गई, और आपका 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी को फांसी दे दी गई। तो जितने भी प्रोमिनेंट फिगर थे रिवोल्यूशनरी फेज के, वो एकदम से क्या हुआ, अपनी जो कमान है वो किसी दूसरी जनरेशन को नहीं दे पाए, एकदम से सारे के सारे लोग जितने भी लीडर्स थे एकदम से खत्म हो गए। तो एकदम से वैक्यूम आ गए रिवोल्यूशनरी फेज का, जो एक्चुअली में एक्टिव था। अब जो बचा वो जो था वो जनरली पॉलिटिकल था, जैसे आपका सीपीआई, और वो ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का जो था उसके ऊपर वो लोग अपने प्रोपोगंडा करते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी इन प्रोमिनेंट फिगर के डेथ के बाद, एक तरह से यूपी में तो बाद में देखने को नहीं मिली। और फिर गांधी जी का भी, फिर गांधी जी का नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था, उसने इन सब लोगों को ओवर शेडो कर दिया इन अब्सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, ये ड्रॉबैक कह दो, ये बैड लक रहा इन लोगों का, जितने भी लीडर्स थे वो 2 या 3 साल में सारे के सारे आपके, या फिर तो किसी को जेल भेज दिया गया, मनमोहन गुप्ता वगैरह को, या फिर काला पानी की सजा हो गई, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से सारे लोग गायब हो गए। इसका बताइए रामप्रसाद बिस्मिल। अब जो रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में अगर मैंने पिछले उसमें बात कर ली है कि ये है अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। ये भी रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कहाँ के थे? ये दोनों लोग शाहजहांपुर के थे, शाहजहांपुर के थे, ठीक है। दोनों ही क्या थे? आर्य समाज के फॉलोअर थे, ठीक है। अहमदाबाद सेशन में दोनों लोग गए थे, कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है। आपस में इन लोगों का कनेक्ट हुआ। एक बार ये लोग ऐसे चलते हुए जा रहे थे तो इन्होंने, अशफाक उल्ला ने एक जो जिगर मुरादाबादी का एक शेर गाया, कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है, ठीक है। तो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने इरशाद करने जगह केवल नोट किया, तो इन्होंने अशफाक उल्ला खान ने बोला कि आपको ये शेर पसंद नहीं आया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि एक तरह से इन्होंने गालिब की बात ही मुरादाबादी साहब ने अपने शब्दों में कर दी, अगर ये अपने मन का कुछ नया बनाते तो मैं जरूर इसमें इरशाद बोलता। तो अशफाक उल्ला ने कहा कि आप ही नया बनाइए, आपकी क्या तमन्ना है। तब उन्होंने इस वाक्य, ये जो वाक्य हुआ,
इसके अगेंस्ट में ये वाली पोइम बनाई थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक ट्रिविया दे दिया आप लोगों का। ठीक है सर, अगर बिस्मिल जी की बात करें तो आर समाज के डिवोटी थे। ठीक है, इन्होंने शुरुआत में ही एक अपना रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मातृवेदी। मातृवेदी का मतलब वो होता है अल्टर ऑफ मदरहुड, मदरहुड अल्टर का मतलब जहाँ पर शीश दिए जाते हैं, जहाँ पे पूजा होती है, मेन जो भगवान के नीचे जो एक तरह से पत्थर की लगी होती है वही अल्टर होता है। ठीक है, मेरा जन्म करके इनकी एक इन्होंने कविता लिखी थी, कब, जब इनके जो आर्य समाज के जो इनके मेंटर थे स्वामी परमानंद जी, उनका जब डेथ हुआ था, उसके बाद मैनपुरी की प्रतिज्ञा इन्होंने क्या लिखी थी। ठीक है, जब मैनपुरी कॉन्स्परेसी केस में क्या इनको पकड़ा गया था। ठीक है, मन की लहर इनकी कलेक्शन ऑफ पोइम है, वो भी प्रिंट हुई थी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो आप ऑटोबायोग्राफी कह लो या बायोग्राफी कह लो, वो प्रताप मैगजीन में छपी थी, ग्रेजुएशन का विद्यार्थी ने छापी थी, काकोरी की शहादत करके उसमें छपी थी। HRA कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था, येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वाइट पॉम्पलेट इन्होंने बांटा था, द रेवोल्यूशनरी करके ये मैनिफेस्टो क्या था HRA का। ठीक है, अब ये जो वाइट पैम्फलेट था, येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हैंड टू हैंड छापा था। क्या छापा था? हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये। ठीक है, तो जब मन्मथनाथ गुप्ता जो उनके कलीग थे, इनको जब पकड़ा गया तो उनके पास से ये लेटर मिलाया था, उनके घर से या उनकी जो भी विसनिटी में चीजें थी उससे, और उसको एज एविडेंस प्रूफ किया गया था कि ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे काकोरी में। ठीक है, अब इसके बाद ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब आप ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो एक्टिव अगर आप कैरियर देखो तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, उसके बाद काकोरी हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 8 या 9 अगस्त 25 को हुआ था रात सुबह और 9, ये दो 4 फरवरी 1922 से 9 अगस्त 1925, ये कितना टाइम हो गया आपका, करीब 3 साल का टाइम है, और तीन साढ़े तीन साढ़े तीन साल का समय था फरवरी से लेकर अगस्त तक। ठीक है, 3.5 साल में लोगों ने इतना काम कर दिया कि इनको ये हमेशा के लिए अमर हो गए, अटल हो गए, इन लोगों के बारे में बात अभी भी की जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफ इज लाइफ शुड नॉट बी वेरी बिग, लाइफ लाइफ जो होनी चाहिए इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेंदी नहीं होनी चाहिए, लाइफ शुड बी बिग। तो हम लोग अब ये जो मैंने इसलिए ये इनकी लाइफ का छोटा होना भी हम इंडिया के लिए लॉस हुआ, अगर ये लोग 10-20 साल तक और जिंदा रहते तो बात कुछ अलग ही होती। ठीक है, अब जैसे ये जो मैं पिस्टल की बात कर रहा हूँ, ये जो पिस्टल थी ये यूज हुई थी किसमें, काकोरी ट्रेन में। ठीक है, और तो कुछ खास है नहीं, चलिएगा आज के उसमें इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट आपका जो लास्ट वीडियो इसमें बनेगा वो उसमें मैं आपका वोमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम UP इसके बारे में बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बचती है, फार्मर्स एजिटेशन फ्रॉम UP, ये भी इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स एजिटेशन में आपका जो जितने भी आपके फार्मर्स के प्रॉब्लम्स क्या थी, उसके बाद आपकी जितनी भी किसान सभा बजनी थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सहजानंद के बारे में बात करेंगे, सहजानंद जी। ठीक है, नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, तिलक भी इसमें शुरुआत में शामिल थे, उनके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और आपका एका सभा हुई थी उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका UP का ज़्यादातर जो है पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।